हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास करने वाले हैं 24 अप्रैल की। और पहले हम लोग कुछ PYQs करेंगे जिससे हमारा जीके जीएस भी तैयार होता जाएगा, और उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। थोड़े थोड़े करके हम लोग PYQ करने वाले हैं। ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग PYQs करेंगे, देन उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। इसमें PYQ में पहला क्वेश्चन है कि जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है। ये है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये पैथिक लॉरेंस थे। 1946 में इसका गठन हुआ था और इसमें और जो दो सदस्य थे वो अलेक्जेंडर और स्टीव वुडक्रिप्स थे। नेक्स्ट, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, तो ये पहली बार गाया गया था 1919 का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था 1911 का ही कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। उसके अध्यक्ष थे 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था उसके अध्यक्ष थे विश्व नारायण धर। वहीं पर ये पहली बार गाया गया था और इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ये लद्दाख में है। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 6 होते हैं। और किस समिति की सिफारिश पे आई थी ये, तो अजित पटेल समिति की सिफारिश पे लाई गई थी। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबोलिन है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक जो है वो कौन थे, तो उस एनी बेसेंट थी संपादक कॉमनवेल्थ पत्रिका का। अगला है, GST किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो ये विजय केलकर समिति थी, 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। नेक्स्ट है, पिंडवानी नृत्य का संबंध कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला है। और हेमवती काबिनी किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें करीब 12-15 क्वेश्चंस हैं जिससे आपका आज का पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को स्थान मिला है 4th। और पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है। और ये जो है सिपरी की रिपोर्ट आई है, इसमें ये स्थान दिए गए हैं। और इसी में कहा गया है कि जो सैन्य खर्च है उसमें 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें कि जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो उसमें भी 4th रैंक है। नेक्स्ट, भारत ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ये ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद सलीम को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि मेगा स्टार चिरंजीवी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो मेगा स्टार जो है उनको पद्म विभूषण 2024 का दिया गया है। मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, तो बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन कि पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ, तो ये पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण किया गया कुवैत में, जहाँ पे करीब 1 मिलियन भारतीय रहते हैं। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस, जो कि इससे संबंधित ही है, कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाते हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाते हैं वो हिंदी डे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट है चौथा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह नेपाल में हुआ है। और समलैंगिक व्यक्ति को पर्यटन के लिए अधिकार देना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि काला पानी विवाद जो है वो किसके किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है। पांचवा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड केयर लीव को जो है वो आर्टिकल 15 के तहत, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको घोषित कर दिया है। चाइल्ड केयर लीव क्या होता है ना, कि 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है और जब महिला गर्भवती होती है। और अब क्या है उसमें ऐड किया है कि 2 साल का आपको चाइल्ड केयर लीव भी मिलेगा।
और आपकी इसमें सैलरी भी नहीं कटेगी। नेक्स्ट है निजता का अधिकार, मौलिक का अधिकार बना था वो कौन सा केस था, तो पुट्टा स्वामी केस था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी का जीवाश्म कहाँ खोजा है, तो वो कच्छ गुजरात में खोजा है। कहाँ पे? कच्छ गुजरात में, 10 से 15 मीटर का। और आप लोग बताना कि ये किस परिवार से था। नेक्स्ट है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो करीब 22 पदक भारत ने जीते हैं। ये जो सांप था जिसकी अभी खोज हुई है, शोधकर्ताओं ने की है, ये जो है ये 47 मिलियन वर्ष पहले ईओसीन युग का है। नेक्स्ट है सातवें क्वेश्चन की पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस खेल से है, किस देश से है, तो ये बांग्लादेश से हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो कला क्षेत्र है, ये गायिका हैं। नेक्स्ट है कि जो पद्म विभूषण जिनको दिया गया है, यंगलू ये कहाँ के हैं, ताइवान के हैं। और जो फॉक्सन कंपनी के मालिक हैं, पद्मश्री दिया गया है फ्रांस के चार्लेट को, जो कि योग से संबंधित हैं। और एक और को पद्मश्री दिया गया है प्रकाश सिंह को, जो कि पापुआ न्यू गिनी के हैं। आठवें क्वेश्चन की बात करेगी अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है, तो शैम्पेन ने किया है, शैम्पेन समूह ने, जो कि लोकसभा इलेक्शन के लिए किया गया है। और इन शैम्पेन की भाषा कौन सी है, तो मदियास भाषा का यूज़ किया है। कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, अंडमान निकोबार चर्चा में आया है, तो इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि अंडमान निकोबार को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है, तो 10 डिग्री का अक्षांश है। हैवलॉक द्वीप का नाम नया क्या रखा गया है, तो स्वराज द्वीप रखा गया, ये यहीं पर अंडमान निकोबार में है। नवा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2024 कब मनाया गया, तो 23 अप्रैल को मनाया गया है। 1995 से शुरुआत हुई थी, रीड योर वे इसका थीम है इस बार की 24 की। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया डे कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। 10वां क्वेश्चन है सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये केरल में हुआ है, त्रिशूर पूरम, ये जो है मेडम मलयालम महीने में मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है सिप्री की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, जो भी चर्चा में आया 1966 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। 12वां क्वेश्चन है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये 11वीं अनुसूची में है। और ये जो है 14th जो बनाया गया है, 14वें नंबर का मनाया गया है, 2010 से हम लोग मना रहे हैं पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन कि चिथिराई त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो तमिलनाडु में मनाया गया है, शिव और माता पार्वती जी के विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 14 नंबर क्वेश्चन कि खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है कि सिंगापुर और हांगकांग ने किस गैस की मौजूदगी के कारण भारतीय मसाले MDH और एवरेस्ट को बैन किया है, तो इसमें कौन सी गैस पाई गई है, एथिलीन ऑक्साइड, जो कि एक ज्वलनशील और रंगहीन गैस है, जिससे हमारा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बढ़ता है। ये अभी सिंगापुर और यहाँ पे हांगकांग ने की है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।